आप देख रहे हैं पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। यहाँ विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आगामी 10 फरवरी को यहाँ वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है। सभी प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर मतदाताओं की चौखड़े चूम रहे हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर से बसपा प्रत्याशी पुष्पांकर पाल के समर्थकों में भी भारी उत्साह है। क्षेत्र में पुष्पांकर पाल को उनके समर्थक हाथों हाथ ले रहे हैं। विधानसभा सदर क्षेत्र के ग्राम तिगरी में पुष्पांकर पाल की एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय पाल महासभा के जिला अध्यक्ष हरवीर पाल ने की तथा संचालन शिव कुमार ने किया। दीपक पाल, रविंद्र गौतम आदि प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में ढोल नगाड़ों के साथ पुष्पांकर पाल जिंदाबाद, कुमारी बहन मायावती जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहे जैसे जोशीले नारे लगाए गए। इस मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता शाहिद अब्बासी ने पुष्पांकर पाल के कुछ समर्थकों से की। सबसे पहले सब समाज मंडल में सभी को महासंतों को नमन करते हुए आज गाँव तिगरी में नुक्कड़ सभा में उपस्थित हमारे समाज के गौरव पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीपाल सिंह पाल जी और हमारे बीच में इस गांव के बहुत जिम्मेदार प्रधान जी हमारे प्रवीण कुमार सैनी जी और मेरे साथ चलकर आए मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार गौतम जी और इस विधानसभा के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई मनीष कुमार जी, सम्मानित साथियों, पिता बुजुर्गो, माताएं बहने, मेरा सभी से हाथ जोड़ने के लिए मन है। भाई वोट के बिल तो सबने कर ली, पर मैं हमारा इन्हें बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों देने चाहिए। भाई वोट के बिल इन्होंने कर ली, उन्होंने कर ली, प्रधान जी ने कर ली, तो वोट तो मुझे पता, वोट तो मेरी कहीं जानी देता हूँ, चाहे मैं आता चाहे ना आता, पर भाई अध्यक्ष जी ने कहा भिल्ली तो देने आ गया, मुझे यहाँ तो मुझे वोट की ज्यादा बात नहीं करनी। पर बता दो कि हमारे युवा भी खड़े पार्टी वोट क्यों और वाल्मीकि समाज चलेगा, ब्राह्मण समाज तक मान सम्मान देना काम करें, बराबर की सदर एकता देना काम करें। जब बहन जी मुख्यमंत्री की शपथ लिखती है तो बहन जी के साथ सर्व समाज का व्यक्ति, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, सैनी हो, कश्यप हो, मुस्लिम हो, गुज्जर हो, जाट हो, कोई भी हो, अदरवाइज सर्व समाज का व्यक्ति बहन जी के साथ वो लिखता है। तो सम्मानित साथियों, बहन जी भाईचारा बनाने का काम करती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, यूट्यूब के चैनल से किसी माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये कहा है, अगर हम लोगों को सैनी समाज को हम लोगों को भाई पाल प्रजापति सैनी कश्यप अगर राजनीति में हमें किसी ने आगे बढ़ाया तो बहन कुमारी मैं काम करूँ। बहुजन समाज पार्टी के मेरे पुष्पांकर पाल जी उम्मीदवार हैं, रविंद्र गौतम जी और महासभा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीपाल जी हमारे साथ जी हैं और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मान्य बहनों ने एक बहुत अच्छा कंडेट हमारे बीच दिया है भाई पुष्पांकर पाल और इसका अधिकार भी हमारे माध्यम है। पूजा जी बताइए, सदर विधानसभा पे काफी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्या आपके बार सरकार चाहती है परिवर्तन? आप भी? हाँ बिल्कुल चाहती है। कौन सी सरकार चाहती है? अब की बार हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मायावती जी होनी चाहिए, हाथी को वोट देंगे हम। अच्छा, सदर विधानसभा पे किस पे वोट देंगे? इनको देंगे पुष्पांकर पाल। सलोनी जी, आप ये बताइए, सदर विधानसभा में रहती हैं, क्या आप महिला सुरक्षा के लिए, क्या आपको लग रहा है कि आप इस विधानसभा में सदर में आपका परिवार, आप लोग किनको वोट करेंगे? हाथी को, पुष्पांकर को। पुष्पांकर हाथी से हैं?
हाँ जी। आखिर क्या है पूरा आप यहाँ पर पूरा एरिया ही पुष्पांक पाल पे जाएगा, काफी वोटे हैं, आखिर ऐसा आपको व्यक्ति लगते हैं कि अच्छा काम करेंगे? हाँ जी सब अच्छा काम करेंगे हमारे। अच्छा ये बताइए सदर विधानसभा पे आखिर आप लोग किनको वोट करेंगे? किसको? पंकज पाल जो सदर विधानसभा मुजफ्फरनगर सदर से लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं गरीबों के प्रति सोचेंगे? सुनेंगे गरीबों के लिए अच्छा। आपका नाम? ओमवीर। ओमवीर जी बताइए सदर विधानसभा पे काफी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, अब की बार क्या आप प्रदेश में जाते हैं, चाहते हैं सरकार परिवर्तन? किसकी सरकार चाहते हैं? भाजपा की। किसकी? आगे होगा देखो। किसकी? भाजपा। किनको वोट करोगे आप? भाजपा। भाजपा सरकार चाहते हैं? हाथी की सरकार। हाथी को देंगे वोट? आप तो भाजपा कह रहे थे। गलती से हो गई। अच्छा गलती से हो गई, ठीक। पवित्रा जी ये बताइए आप विधानसभा सदर में रहती हैं, आखिर यहाँ पर आपकी बार काफी कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सपा गठबंधन से भी लड़ रहे हैं, सौरभ स्वरूप जी भी लड़ रहा है, कपिल देव अग्रवाल जी भी लड़ रहे हैं, और सब कांग्रेस जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी लड़ रहे हैं यहाँ पर प्रत्याशी के रूप में, आखिर ये बताइए यहाँ पर पुष्पंकर पाल जी भी लड़ रहे हैं बसपा से, आखिर आपका परिवार आप लोग किनको वोट करेंगे? देखो करते तो हाथी को ही है, लेकिन अब क्या करेगा, अभी तो पक्का ये भी नहीं पता कौन होगा कौन नहीं। आप किनको वोट देंगे? हम तो हाथी को ही देते हैं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं काम होगा गरीबी की प्रति? काम पहले से करती आ रही है, आज के समय में तो किसी ने कुछ करने दे, बच्चे कितने पढ़े लिखे फिर रहे बेचारे। गोपाल सिंह जी बताइए सर विधानसभा पे क्या आप सरकार परिवर्तन चाहते हैं, अब की बार कौन सी सरकार चाहते हैं? बसपा की। आखिर किनको करेंगे वोट आप सदर विधानसभा? बसपा को देंगे। कौन कैंडिडेट लड़ रहा है यहाँ पर? पुष्पांकर पाल। जो भी होगा उसे देते हैं। जो भी होगा उसे देते हैं। क्या होगा? आपका नाम? कविता। 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 कविता जी ये बताइए आप सदर विधानसभा पे रहती हैं, आखिर किनको करेंगी वोट? भाजपा करेगा हमको। भाजपा।